सोनाली बिल्डर्स गुना, हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य उचित दामों में किया जाता है। हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य मात्र 1250 से शुरुआत, प्रीमियम कंस्ट्रक्शंस फिनिशिंग के साथ। अभी बुकिंग पर 3D एलिवेशन एवं संबंधित सारे नक्शे बिल्कुल। इंटीरियर एवं वास्तु क्रय हेतु एक्सपर्ट्स टीम, सभी बैंकों द्वारा होम लोन हेतु संपूर्ण सुविधा मुक्त। हनुमान कॉलोनी गुना मध्य प्रदेश। मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण कुमार जैन 9839-9893057151। इंजीनियर विकास झा 8770089448। कलेक्टर द्वारा विकास खंड बमोरी एवं गुना क्षेत्र के विद्यालयों का किया गया निरीक्षण। बमोरी के माध्यमिक विद्यालय नानीपुरा की शिक्षिका एवं ठाकुर बाबा स्वर्गीय सहायता समूह को लापरवाही बरतने पर जारी किए गए नोटिस। छात्रावास अधीक्षक सिरसी को अनुपस्थित पाए जाने पर तथा स्व सहायता समूह द्वारा गुणवत्तापूर्ण भोजन न दिए जाने पर दिए गए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा आज विकास खंड बमोरी एवं गुना क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न विद्यालयों एवं छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान बमोरी क्षेत्र के नानीपुरा माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक वर्षा ठाकुर विद्यालय से समय पूर्व विद्यालय से घर जाने एवं अनुपस्थित पाए जाने की लापरवाही पाई गई। इस संबंध में लापरवाही बरतने पर संबंधित शिक्षिका को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान विद्यालय में नानीपुरा ठाकुर बाबा स्व सहायता समूह द्वारा गुणवत्तापूर्ण मीनू अनुसार भोजन नहीं पाए जाने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। विकास खंड गुना के सिरसी के स्व सहायता समूह एवं छात्रावास अधीक्षक को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। कलेक्टर द्वारा विकास खंड बमोरी एवं गुना क्षेत्र के विद्यालयों का किया गया निरीक्षण। बमोरी के माध्यमिक विद्यालय नानीपुरा की शिक्षिका एवं ठाकुर बाबा स्वर्गीय सहायता समूह को लापरवाही बरतने पर जारी किए गए नोटिस। छात्रावास अधीक्षक सिरसी को अनुपस्थित पाए जाने पर तथा स्व सहायता समूह द्वारा गुणवत्तापूर्ण भोजन न दिए जाने पर दिए गए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा आज विकास खंड बमोरी एवं गुना क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न विद्यालयों एवं छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान बमोरी क्षेत्र के नानीपुरा माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक वर्षा ठाकुर विद्यालय से समय पूर्व विद्यालय से घर जाने एवं अनुपस्थित पाए जाने की लापरवाही पाई गई। इस संबंध में लापरवाही बरतने पर संबंधित शिक्षिका को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान विद्यालय में नानीपुरा ठाकुर बाबा स्व सहायता समूह द्वारा गुणवत्तापूर्ण मीनू अनुसार भोजन नहीं पाए जाने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। विकास खंड गुना के सिरसी के स्व सहायता समूह एवं छात्रावास अधीक्षक को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से वित्तीय सहायता प्राप्त एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से होमगार्ड एवं SDERF के द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2023 से 12 जुलाई 2023 तक जिला गुना में 156 आपदा मित्र सखी के द्वितीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शासकीय PG कॉलेज गुना में किया गया। प्रशिक्षण के दौरान आपदा मित्र सखी को अतिवर्षा एवं बाढ़ की स्थिति में रेस्क्यू कार्य, CPR, प्राथमिक उपचार, नॉट्स एवं लेसिंग तथा भूकंप इमरजेंसी मेथड, आग को बुझाने की विधियां आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के अंतिम दिन मुख्य अतिथि RB सिंडोस्कर संयुक्त कलेक्टर प्रभारी राहत एवं विशेष अतिथि SDM गुना वीरेंद्र सिंह बघेल के द्वारा सभी आपदा मित्रों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से प्राप्त ERK किट, नोटबुक, लाइफ जैकेट प्रदान की गई। राजकुमार पथरोल डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड गुना द्वारा आपदा मित्र सखी योजना के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में डॉक्टर रेशमा रेशवाल जिला सलाहकार आपदा प्रबंधन गुना, मनोज भदौरिया प्लाटून कमांडर होमगार्ड गुना, नीतू मावई प्लाटून कमांडर होमगार्ड गुना तथा होमगार्ड्स एवं SDERF के जवान उपस्थित रहे। चेहरे पर नकाब लगाकर एक महिला सिटी कोतवाली पहुंची। पुलिस ने जब महिला से कोतवाली आने का कारण पूछा तो महिला फपक कर रोने लगी।
महिला अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए सिटी कोतवाली पहुंची थी। FIR लिखने के लिए पुलिस ने पीड़िता की आप बीती सुनी तो पुलिस भी हैरान रह गई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसने अंसार खान नाम के मुस्लिम युवक से शादी की थी। अंसार खान ने पत्नी पर धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बनाया। वर्ष 2016 में भोपाल कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज करने के बाद दोनों साथ रहने लगे। शादी के 2-3 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसका पति अंसार खान मारपीट और दहेज की मांग करने लगा। अंसार ने 2.5 लाख रुपये की मांग की। पीड़िता ने बताया कि वो उसके बच्चे के लिए कुछ मांगती तो उसका पति मायके से लाने की बात करता था। महिला का पति अंसार खान लगातार पत्नी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता रहा। कईयों बार कहने के बावजूद जब पत्नी नहीं मानी तो अंसार खान ने वर्ष 2022 में उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करना शुरू कर दिया। महिला विरोध करती तो उसके साथ मारपीट और बदसलूकी की जाती। आरोपी अपनी पत्नी के साथ वो सब करता जो पति पत्नी के संबंधों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। महिला की गुहार परिवार में किसी ने नहीं सुनी। मजबूर होकर पीड़िता अपने घर आ गई। 5 महीने से अपनी मां के साथ रह रही पीड़िता ने बदनामी के डर से आरोपी पति के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराई। जैसे तैसे महिला ने हिम्मत करते हुए आखिरकार सिटी कोतवाली में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी अंसार खान के खिलाफ धारा 498A, 506, 294 मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 3, मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 5 के तहत FIR दर्ज की गई है। महिला अपने पति की करतूत से अवसादग्रस्त है। महिला ने बताया कि उसके पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। पीड़िता अपनी मां के साथ रहती थी, तभी आरोपी अंसार खान ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और भोपाल कोर्ट में शादी कर ली। महिला की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन आरोपी पति फरार बताया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता का जन्मदिन बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नपा अध्यक्ष के निवास पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इसके पश्चात केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था, जिसमें प्रतिनिधि, राजनेता, पार्षदगण, गणमान्य नागरिक तथा नगर पालिका स्टाफ के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व पार्षद अरविंद गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता के जन्मदिन के अवसर पर शासकीय पेंशनर एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ जिला गुना के द्वारा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया एवं सम्मान पत्र प्रेषित किया गया। शंकर राव मोरे द्वारा सम्मान पत्र का वाचन कर सम्मान पत्र प्रेषित किया गया। इस अवसर पर शंकर राव मोरे, कमलेश श्रीवास्तव, मोहनलाल सेन, हरिओम श्रीवास्तव, राधेश्याम श्रीवास्तव, VM सेनी, कन्हैयालाल साहू आदि उपस्थित हुए। इससे पूर्व पतंजलि योग समिति द्वारा स्वतंत्रता पार्क में नपाध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता का सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हरी सिंह यादव के साथ पतंजलि योग समिति के सदस्य उपस्थित हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन एकल अभियान के अंतर्गत जो बच्चे विद्यालय तक नहीं जा सकते उनके लिए एकल विद्यालय में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से वनवासी क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों को तराशने का काम एकल द्वारा किया जा रहा है। एकल विद्यालयों में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, आरोग्य शिक्षा, संस्कार शिक्षा, ग्राम विकास जागरण एवं स्वाभिमान जागरण पर शिक्षा के द्वारा गांव के जनजाति समाज के बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, उनको राष्ट्र उपयोगी बनाना हम सभी आचार्यों का कर्तव्य है। एकल विद्यालय का आरंभ झारखंड के एक गांव से शुरू होकर आज देश भर के दूर दराज के जनजाति समाज के गांवों में 1 लाख से अधिक एकल विद्यालय संचालित हो रहे हैं। बता दें कि एकल अभियान देश भर के सुदूर ग्रामीण इलाकों में एकल विद्यालय खोलकर बच्चों व किशोर किशोरियों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। उक्त बात मुख्य वक्ता राज्य स्तरीय सहरिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष
तुरसन पाल बरैया ने एकल के 5 दिवसीय क्षमता विकास वर्ग के 3रे दिवस के सत्र को संबोधित करते हुए कही। इससे पूर्व उन्होंने भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर सत्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर भाग प्रशिक्षण प्रमुख विकास जैन नखराली, महिला भाग समिति अध्यक्ष आशा रघुवंशी, गुना अंचल अध्यक्ष मदन सोनी, संभाग शिक्षा प्रमुख विजय सिंह, भाग प्रभारी विनोद कुमार, भाग से सुखदेव पाल, अंचल सचिव घनश्याम रघुवंशी, नारायण सिंह, भाग शिक्षा प्रमुख पप्पू सिंह अंचल गुना ग्राम स्वराज, मंच प्रमुख विजय सिंह अंचल गुना मंचासीन रहे। नगर के वार्ड क्रमांक 13 में लोक सेवा केंद्र के पीछे के क्षेत्र में कीचड़ व गंदगी से परेशान महिलाओं के सब्र का बांध आखिरकार फूट गया। महिलाओं ने दोपहर 12 बजे CMO दिनेश सोनी के कार्यालय का घेराव कर दिया। महिलाएं वार्ड की समस्या बता रही थी और CMO सिर्फ आश्वासन दे रहे थे, समस्या को नज़रअंदाज कर रहे थे। यह देख महिलाएं आक्रोशित हुईं और CMO के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। इसके बाद महिलाएं CMO दिनेश सोनी को लेकर वार्ड में पहुंची और लगभग 1 घंटे तक CMO को कीचड़ में चलाया। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि मिंटूलाल जैन भी मौजूद रहे। इसके बाद CMO ने आश्वासन दिया कि चूरी व गिट्टी मिलेगी तो सड़क पर डलवाकर सुधार करवाया जाएगा। नगर में 2 दिन हुई बारिश से वार्ड की सड़कों पर कीचड़ हो गया है। यहां से पैदल निकलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के पार्षद सुध नहीं ले रहे हैं। कॉलोनी की सड़क पर कीचड़ होने से यहाँ से निकलने में डर लगने लगा है। पार्षद कोई सुध नहीं ले रहे हैं। कीचड़ से बाइक सवार राहगीर फिसल कर घायल हो जा रहे हैं। आरोन से मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। माता जी, आज आप नगर परिषद पहुंचे थे और यहाँ CMO का घेराव किया है आपके द्वारा और CMO को यहाँ लाकर नालियों में घुमाया है आपने, क्या है पूरा मामला बताएं। पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, खड़ंजा जा रहा है, मरम्मत नहीं कर पाए, हम पानी नहीं भर पाए, खाना पानी मोल ले लेते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं पानी हो जाए, नाली बन जाए। सर क्या बताया अभी इन्होंने? क्या कह रहे हैं, नगर नहीं हो पा रहा इतनी जल्दी, 4 दिन में बटर कब से परेशान हो रहे हैं आप? हमें कम से कम 30 साल जब से कोविड का निकल। ये प्रदर्शन पहली बार हुआ है या इससे पहले भी कर चुके हो? फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अब अगर नहीं होता है तो क्या करोगे? अच्छा, हम बिल्कुल सब बात से परेशान है। हो पाएगा? ये जो कॉलोनी है यहाँ 25 साल से समस्या है और देर सवेरे लोगों ने अपने सुविधा अनुरूप नोटरी पे प्लाट लेके और अपने अपने आर्थिक स्थिति के अनुरूप उन्होंने अपने अपने भवन बना लिया। 25 साल से रह रहे हैं। आज जब बारिश हुई है, कीचड़ हुआ है, उनको आने जाने में परेशानी है, इसलिए वो चाहते हैं कि रोड बने, नाली बने और उनकी परेशानी दूर हो। तत्काल तो किसी भी स्थिति में नाली और रोड अभी तो तत्काल तो बन नहीं सकती, लेकिन अपन मुरूम बोल्डर डाल के कम से कम ऐसी स्थिति में लाते हैं जिससे एक शुरू का व्यक्ति अंतिम पंक्ति तक अपने घर सुविधाजनक चला जाए। और मैं ये मुरूम बोल्डर के हिसाब से जो भी जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता है वो। सर कब तक हो पाएगा ये? अरे ये तो अभी जब तक नहीं होगा तो फिर अभी ये घर कब आएंगे? नहीं मतलब फिर आप मेरी बात समझे, चूरी कब डलवा रहे हो? मेरी 1.5 घंटा पहले पार्षद जी से इसी संदर्भ में बात हुई, वहाँ उनके कोई पारिवारिक की तबीयत खराब हुई, अभी वो चले गए हैं पारिवारिक में, इसलिए वो नहीं तो इस पार्ट पे होते तो मैं उनसे भी बात करता। और जब मैं स्वयं कीचड़ में घूम के देख के आया हूँ तो इनको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी शांति बनाए रखें और इंतजार करें 2 दिन 3 दिन 4 दिन। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
बेटे के जन्मदिन पर टीआई मिश्रा ने कराया सुंदरकांड का पाठ। आधुनिक दौर में जहां अधिकतर लोग होटल या कैफे में जाकर अपने बच्चों का जन्मदिन मनाना पसंद करते हैं, वहीं यातायात प्रभारी टीआई उमेश मिश्रा ने अपने बेटे का जन्मदिन मंदिर में जाकर मनाया। मिश्रा ने अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ पंचमुखी हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड का पाठ कराया और प्रसादी वितरण की। वहीं ब्राह्मण और कन्याओं को भोजन कराया गया। इस मौके पर मंदिर के महंत और संत आदि भी मौजूद रहे। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के मार्गदर्शन में गुना जिले में नशा मुक्ति अभियान एवं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय, संग्रहण, परिवहन एवं जहरीली शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत एवं नरेश कुमार चौबे उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता ग्वालियर के निर्देशन में तथा जगन्नाथ किराड़े जिला आबकारी अधिकारी गुना के मार्गदर्शन में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर वृत्त राघोगढ़ प्रभारी गौरव जैन आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा ग्राम नरोनी रुठियाई थाना धरनावदा में बाइकों बाई पत्नी बबलू पारदी के रिहायशी मकान पर दबिश दी गई, जिसमें उसके मकान से 55 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई एवं साथ ही 150 किलोग्राम महुआ लाहन भी जब्त किया गया। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर के अग्रिम न्यायालयीन कार्यवाही की गई है। साथ ही वृत्त चांचोड़ा प्रभारी राधा किशन आबकारी उप निरीक्षक द्वारा ग्राम पेची मंडी नित्याखेड़ी एवं पीपल खेड़ी में दबिश दी गई, जिसमें 120 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 24 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई है। उक्त कुल अवैध मदिरा का अनुमानित मूल्य 25,000 रुपए बताया जा रहा है। आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 34(फ) कुल 6 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। नशा मुक्ति अभियान के तहत अवैध मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही सतत जारी है। अपने अहिंसक चर्य और शांति प्रियता के लिए अलग से पहचान रखने वाले दिगंबर जैन साधुओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें तो कुछ समय से सामने आ ही रही थी। ऐसे में ये कोई नहीं सोच सकता कि दिगंबर आचार्य की कोई इतनी निर्मम हत्या कर सकता है। पुलिस ने दो व्यक्तियों को पकड़ भी लिया, पर अभी भी इस हत्या के प्रकरण ने न केवल पूरे जैन समाज को स्तब्ध कर दिया है। कर्नाटक के चिकोड़ी जिले में नंद पर्वत पर प्रवास कर रहे गंधराचार्य श्री कुंथुनाथ जी के शिष्य आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी का 5 जुलाई 2023 को अपहरण हो गया। कुछ अज्ञात लोग उन्हें वहां से अज्ञात स्थान ले गए। आचार्य की पीछे कमंडल कमरे में ही छोड़ दिए गए। चारों ओर जब यह खबर फैल गई, इसी बीच उनकी हत्या की सुगबुगाहट आना प्रारंभ हो गई और 8 जुलाई 2023 की सुबह उनकी हत्या की सूचना पुलिस द्वारा मालूम चली। अभी तक पुलिस उनके हाथ व पैरों को ही एक जगह से बरामद कर पाई है। पुलिस ने जिन व्यक्तियों की पकड़ की है, उनका कहना है कि हमने शरीर के टुकड़े करके इधर उधर डाले थे। जाँच अभी भी जारी है। इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी जिसने पूरे जैन समाज को स्तब्ध कर दिया है। जैन संतों पर विहार में और प्रवास में इस तरह की सुरक्षा को देखते हुए सरकार की जवाबदेही पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। जैन समाज स्तब्ध है और जैन संतों पर यह समय और सुरक्षा के कारण बेहद गंभीर हो रहा है। जब हमारी चल और अचल संस्कृति विरासत पर लगातार अशोभनीय और शर्मसार हमले किए जा रहे हैं। जैन समाज अध्यक्ष संजय जैन, कामिनी व मंत्री अनिल जैन अंकल ने बताया कि उक्त घटना के विरोध में दिनांक 14 जुलाई को दोपहर 1 बजे तक बाजार बंद रखे जाएंगे। इसी दिवस विरोध जुलूस चौधरी मोहल्ले से नई सड़क जय स्तंभ चौराहा सदर बाजार से होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कर्नाटक व महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। राजाखेड़ा जिला धौलपुर में ग्राम पंचायत बाजना सलावट देवखेड़ा और समोना में हुए मानवता के 28वें महायज्ञ की तस्वीरें आप सबकी नज़र के सामने हैं। ये रत्न ज्योति नेत्रालय ग्वालियर से लौट रहे हैं नए उजालों के साथ, जिंदगी में नई रोशनी के साथ। हमारे सेवा कार्यों को भारत के मुनिश्रेष्ठ प्रमाण सागर जी महाराज और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद महाराज जी का विशेष आशीष प्राप्त हुआ है, जो हमें परमार्थ के लिए नई ऊर्जा प्रदान करेगा।
किसी के जख्म को मरहम दिया है अगर तूने, समझ लो तुम्हें खुदा की ही बंदगी की है। भगवान के चार प्रकार के भक्त हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो कितना अच्छा हो कि हम आर्थ के पास पहुंचे, जो व्यथित है, दुखित है, चिंतित है, आहत है, उसके पास पहुंचे, जो औषधि के अभाव में कराह रहा है, जो साधनहीन है और उसके पास सिस्कियां हैं, विवशता है, उसके पास में असमर्थता है, अशक्यता है, बहुत दीन है, दुर्बल है, दलित है, और वो सब प्रकार से उपेक्षित है, वो सब प्रकार से पिछड़ा है, बिल्कुल अंत में खड़ा है, अंतिम पंक्ति में, कतार में अंतिम व्यक्ति है वो, उसे कुछ पता ही नहीं है। तो उसके लिए, उसके उदय के लिए हम संस्कार लेकर जाएं, विचार लेकर जाएं, शिक्षा लेकर जाएं, अपनापन लेकर जाएं, उसके पास पहुंचे हम एक आत्मीयता लेकर। ये अंत्योदय है, इसको बापू ने ग्रामोदय भी कहा, इसको विनोबा ने सर्वोदय भी कहा, और इसी को वेदांत में परमार्थ कहा गया है, यही औदार्य है। और भगवान को सर्वाधिक प्रिय यही लगती है, भगवान को अधिक से अधिक कोई प्रिय है तो वो सेवा की भावना ही तो है। हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं, अपने साथ साथ औरों के लिए मिला है। अपनी पीड़ा पर हर कोई आंसू बहा लेता है, पर औरों की आंसू पोंछने वाला ही सच्चा इंसान कहलाता है। अपनी पीड़ा में द्रवीभूत होना वेदना है, और औरों की पीड़ा देखकर पिघल जाना संवेदना है। हमें वेदना से परे संवेदना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और जितना बन सके औरों की सेवा के लिए अपने हृदय को समर्पित रखना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। हम लोग अक्सर कहते हैं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम, अथवा दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। ये सेवा का ही एक, सेवा की एक प्रेरणा है। अपने हृदय को संवेदनशील बनाए, संवेदनशीलता को बढ़ाते हुए हम सेवा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर आगे बढ़े, ऐसा पुरुषार्थ और प्रयास करना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बाबूलाल सेवा संस्थान के माध्यम से पवन जी पिछले 22 वर्षों से सेवा का ये उपक्रम कर रहे हैं। उसी क्रम में इस वर्ष भी उन्होंने एक बहुत अच्छा शिविर लगाया है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होने के उपरांत इस तरह के संवेदनशील भाव से लोगों की सेवा के लिए आगे आना अनुकरणीय आदर्श है, उदाहरण है। उन्होंने जो ये कार्य किया है बहुत बहुत प्रशंसनीय है। ऐसे बिरले अधिकारी होते हैं जो अपने मातृभूमि के क्षेत्र में आकर वहाँ के लोगों की सेवा शुश्रूषा में तत्पर होते हैं। वे ऐसे ही कार्यों में लगे रहे और लोग भी उनसे प्रेरणा ले, इस आशीर्वाद के साथ मैं विराम ले। गुना के बमोरी विधान सभा में पिछले 3 सालों में वन कटाई बहुत अधिक हुई है और कई जगह पर विवाद भी हुए हैं। अतिक्रमणकारियों द्वारा कई जगह पर मुठभेड़ भी हुई है, कई जगह पर वन कर्मियों की गाड़ी भी तोड़ी गई है, फिर भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो पाती है? ऐसा लगता है कि किसी कारण से प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं। अभी वर्तमान में भी जंगल कटाई चालू है, वन विभाग कार्यवाही में लगा हुआ है और विवाद भी चालू है, लेकिन कई जगह से विधानसभा में आम जनता के सूचना देने पर भी कार्यवाही नहीं हो पाती है। लेकिन एक ताजा मामला बमोरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत वन अमला द्वारा ग्राम झुमका बंजारापुरा में वन परिक्षेत्र अधिकारी व समस्त स्टाफ द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें राजीव सेन नामक व्यक्ति का जंगल में अतिक्रमण करते हुए हकाई कर रहा था। वन अमला द्वारा कार्यवाही करते हुए ट्रैक्टर जब्त किया गया, जिसको वन परिक्षेत्र कार्यालय में रखा गया है, लेकिन आरोपियों द्वारा वन विभाग कार्यालय आकर वन कर्मी की रही मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई और गाड़ी जलाकर खाक हो गई, जिसमें वन कर्मियों द्वारा थाने जाकर 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम करवाया गया है। 2 लोगों पर मुकदमा कायम करवाया गया, 1 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और 2रा फरार है। पुलिस कार्यवाही में जुटी हुई है। NFL विजयपुर से एक तूफान में आधा दर्जन लोग मथुरा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए हुए गए थे। लौट कर आते समय फतेहगढ़ टोल नाके के पास तूफान गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी,
टक्कर में आज दर्जन घायल चिला अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। राधे कृष्ण ठाकर निवासी विकास नगर गुना ने बताया कि वे दो दिन पहले NFL विजयपुर से मथुरा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। बुधवार को लौटकर गुना से गुजरकर फतेहगढ़ टोल नाके से आगे नेशनल हाईवे 46 पर पीछे से तूफान वाहन ने ट्रक में टक्कर मार दी, जिसमें ओम प्रकाश ठाकर, सीमा बाई, बबलू धाकड़, दौलत बाई, राधे किशन, पूर्ति बाई, भगवान सिंह सूजा खेड़ी, सीमा बाई धाकड़ एवं प्रकाश धाकड़ को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल गुना में ट्रामा केयर यूनिट में भर्ती कराया गया है। 10 लोग थे। अच्छा, कहाँ से आए थे? गिरिराज जी से आ रहे थे दर्शन करके। अच्छा, तो क्या घटना हो गई? ट्रक जा रहा था, ट्रक में पीछे से तूफान ने पीछे ट्रक में ठोक दी। कौन कौन के लगी इसमें चोट? गंभीर घायल कौन कौन है? प्रकाश और सीमा भाई। और कौन कौन के चोटें आई हैं? चोटें आई हैं दौलत भाई, पूर्ति, और पूर्ति नाम लिखा था, राधे किशन, दौलत भाई। कब की घटना है जी? 6 बजे की घटना। अच्छा, आप भी उनमें ही थे क्या? मैं भी बैठा था, अभी बैठा था। कब गए थे वहाँ दर्शन करने? कल गए थे हैं? कल रात को गए। लौटते समय घटना हुई। आपका क्या नाम है? राधाकृष्ण हैं? राधाकृष्ण लाल। कहाँ रहती हूँ? विकास नगर बोला। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण जी के जन्म दिवस 4 अगस्त को जड़ी बूटी दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में भारत स्वाभिमान न्यास एवं पतंजलि द्वारा 1 माह पूर्व से ही औषधि पूर्ण वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बुधवार को भारत स्वाभिमान के नेतृत्व में इसकी शुरुआत करते हुए यूनिटी पार्क एवं स्वतंत्रता पार्क गुना में फलदार एवं औषधि पौधा रोपित कर अभियान को गति दी गई। इस मौके पर पतंजलि के राज्य प्रभारी कृष्ण योगेंद्र रघुवंशी, भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी डॉक्टर MK विश्वास एवं इस अभियान के संयोजक अरविंद श्रीवास्तव, पतंजलि के संरक्षक हरि सिंह यादव, जिला प्रभारी बाबूलाल यादव, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास चैन नखराली, सह जिला प्रभारी राजेश श्रीवास्तव, ब्रजेश श्रीवास्तव, OP शर्मा, विजय साहू, मुकेश कुशवाहा, भानु राव निकम सहित बड़ी संख्या में योग साधक उपस्थित रहे। इस मौके पर जिला प्रभारी डॉक्टर विश्वास ने बताया कि यह अभियान पूरे 1 माह तक चलेगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के औषधियां एवं फलदार पौधे रोपण एवं वितरण कार्यक्रम चलाकर पर्यावरण संरक्षण का नगरवासियों को संकल्प दिलाया जा रहा है। साथ ही लगाए गए पौधे को बड़े होने तक उनकी देख रेख एवं समय समय पर पानी खाद देकर सभी पौधों का रख रखाव किया जाएगा। एलोवेरा और आंवला और कुछ फलदार वृक्ष भी, और इनको बड़ी संख्या में अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थानों में, इसमें आज हमने यूनिटी पार्क और स्वतंत्रता पार्क में लगाया, अगले दिन कहीं और लगाएंगे। इसी तरह लगातार 1 महीने तक इस अभियान को बड़े रूप में चलाना है हमें। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि हम आपको बता दें कि पतंजलि योगपीठ के स्वामी आचार्य बालकृष्ण जी का जन्मदिन 4 अगस्त को पड़ता है, और भारत स्वाभिमान न्यास एवं पतंजलि द्वारा इस उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे जिले भर में उनका जन्मदिन के से पूर्व ही अपना जड़ी बूटी दिवस, जड़ी बूटी के औषधीय पौधे लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक युवक दंपत्ति बाइक से बीती रात 8 बजे पाचोरा गांव से आरोन पत्नी को मायके छोड़ने तेज रफ्तार में जा रहा था। बजरंगढ़ बाईपास पर एक वाहन को बचाने में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल 2 पलटी खाई, घायल जिला अस्पताल में भर्ती। कृष्ण गोपाल सहरिया निवास पाचोरा ने बताया कि उनका बेटा नितेश उम्र 20 साल, उसकी पत्नी जस्सी बाई को आरोन मायके छोड़ने के लिए जा रहा था। बजरंगढ़ बाईपास तिराहा पर से गुजरते समय मोड़ पर एक वाहन को बचाने में तेज 100 की स्पीड में मोटरसाइकिल 2 पलटी खाई। तिराहे पर लोगों का मजमा लगा रहा, तब सांसद प्रतिनिधि विक्रम तोमर ने दोनों घायलों को ऑटो से जिला अस्पताल गुना में भर्ती कराया। नाम है आपका? कहाँ से कहाँ जा रहे थे तुम? पांचोरा से कहाँ जा रहे थे? आरोन। तो कैसे गिर, कैसे क्या हो गया? गाड़ी बढ़ रही थी।
अच्छा तेज रफ्तार में, तेज रफ्तार में आओ बाईपास दो रोड पे थे बजरंगगढ़ पे आओ फिसल गई मरकाने। अच्छा कितनी की स्पीड में होगी अंदाजा? 100 की स्पीड में। अच्छा तो मुड़ों पे मुड़ नहीं पाई? मुड़ नहीं पाई, वो दोनों गिर गए। पत्नी का क्या नाम है? जस्सी है, जस्सी 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 भाई। अच्छा कितने बजे घटना है? करीबन 8:30 बजे रात में। 8:30 बजे अच्छा जहाँ कौन लाया अस्पताल में? वही लाया विक्रम तोमर सांसद प्रतिनिधि।